आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो रविवार को स्वांग में भरेंगे हुंकार। गिरिडीह क्षेत्र में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं का होगा समागम। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी रहेंगे साथ। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के गोमिया प्रखंड अंतर्गत स्वांग के मनोरंजन केंद्र में रविवार को आजसू पार्टी कार्यकर्ता समागम का आयोजन करेगी। यह समागम अपराह्न 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मौजूद रहेंगे। उनके साथ राज्य के जल संसाधन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक राज किशोर महतो मौजूद रहेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो करेंगे। सम्मेलन में पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव डुमरी प्रमुख यशोदा देवी एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत सहित कई केंद्रीय नेता भाग लेंगे। कार्यकर्ता समागम में गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटेंगे। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। रविंद्र राय ने कहा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा भाजपा का साथ। झाविमो में जाने की अफवाहों का किया खंडन। झारखंड में महागठबंधन रविवार को बनाएगा जीत का ब्लूप्रिंट। सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद पहली बार साथ बैठेंगे विपक्ष के नेता। भाजपा में रांची, कोडरमा और चतरा सीट को लेकर माथा पच्ची जारी। टिकट की टिक टिक बढ़ा रही दावेदारों की बेचैनी। सीएम रघुवर दास की विधायकों को खरी खरी, लोकसभा में जीत ही बनेगी, विधानसभा में टिकट का पैमाना। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां किसानों के लिए लागू योजनाओं को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं, सतर्क रहिए। राहुल की सरकार बनने पर 6,000 मिलेंगे तो पत्नी को गुजारा भत्ता दूंगा। इंदौर के कुटुंब न्यायालय में पति ने दिया आवेदन। आज की राजनीतिक हलचल। झाविमो ने बाबूलाल और प्रदीप को उतारा। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सुखाड़ के बाद भी मुआवजे को तरसते रह गए किसान। अर्जुन मुंडा ने देवड़ी मंदिर और तमाड़ की जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कोडरमा से भाजपा के सांसद डॉक्टर रविंद्र राय इस बार टिकट नहीं मिलने से परेशान है। भाजपा से टिकट कटने के बाद यह खबर आई कि रविंद्र राय झाविमो में चले जाएंगे। हालांकि शनिवार को रविंद्र राय ने साफ किया कि वह मरते दम तक भाजपा में ही रहेंगे। उन्होंने जेवीएम में जाने की अफवाहों को सिरे से खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह महज कोरी अफवाह है, वह बीजेपी में है और बीजेपी में ही रहेंगे। इससे पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि सिटिंग सांसद रविंद्र राय का कोडरमा से टिकट लगभग कट चुका है। पार्टी ने उन्हें साफ साफ कह दिया है, जिसके बाद यह चर्चा आम हो गई थी कि रविंद्र राय अपनी पुरानी पार्टी जेवीएम में वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी भी अपनी पुरानी टीम इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले भी रविंद्र राय ने गिरिडीह में कहा था कि गठबंधन धर्म के तहत उनकी पार्टी भाजपा जो भी निर्णय लेगी वह उनके लिए सर्वोपरि है। उनके जैसा कार्यकर्ता पार्टी के साथ है और जो जिम्मेदारी मिलेगी वे उसका पालन करेंगे। पार्टी के अंदर अंतर्विरोध पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसकी वह निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी सीट के लिए कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में विपक्षी दलों का महागठबंधन रविवार को जीत का ब्लूप्रिंट बनाएगा। इसे लेकर महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक शाम 6 बजे से झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर होगी। इसमें मुख्य रूप से हेमंत सोरेन, डॉक्टर अजय कुमार, बाबूलाल मरांडी और गौतम सागर राणा समेत अन्य शामिल रहेंगे। बता दें कि राज्य में महागठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा के बाद यह पहली संयुक्त बैठक होगी। इसमें विपक्षी दलों के नेता जीत की रणनीति को लेकर विचार विमर्श करेंगे। अंदर खाने की जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान महागठबंधन के प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों से संबंधित जानकारी की लेन देन भी कर सकते हैं। साथ ही सभी दलों के घोषणा पत्र के बिंदुओं पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार को लेकर प्लानिंग तय की जानी है।
अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में रांची, चतरा और कोडरमा लोकसभा सीटों पर भाजपा अब तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। इन तीनों सीटों को लेकर अब राज्य की जनता के साथ साथ भाजपा में भी सस्पेंस बना हुआ है। तीनों सीटों पर टिकट की टिक-टिक संभावित दावेदारों की बेचैनी बढ़ा रही है। हर दिन इन सीटों के प्रत्याशियों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। नित नई चर्चा और नए नए उभरते नामों से लोगों का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इस बीच पिछले 48 घंटों से नई चर्चा आम हो रही है कि तीनों सीटों पर प्रत्याशी के रूप में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। इससे भी कई नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई है। उधर अन्नपूर्णा देवी भी इसी शर्त पर भाजपा में आई थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, पर टिकट बंटवारे में हो रही देर इस पर संशय खड़ा कर दिया है। अब तक राजद से ही आए गिरनाथ भी कतार में हैं। इधर चतरा के निवर्तमान सांसद सुनील सिंह ने अभी तक आस नहीं छोड़ी है। दिल्ली से छनकर आ रही सूचनाओं के मुताबिक सबसे अधिक पेच चतरा सीट को लेकर ही फंसा है। वहीं भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता इशारा कर रहे हैं कि अमित शाह का नामांकन शनिवार को हो गया है। अब जल्द ही झारखंड के तीनों सीटों का मामला सुलझ सकता है। इसे लेकर किसानों और आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संथाल परगना की सीटों को लेकर दुमका में मैराथन बैठक की। दो दिनों की बैठक के दौरान उन्होंने विधायकों और भाजपा नेताओं को स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा में जीत ही विधानसभा चुनाव में टिकट का पैमाना बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता तमाम मतभेद और मनभेद भूलकर पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने में एकजुटता से जुट जाए। इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं को सतर्क किया कि कुछ विदेशी शक्तियां किसानों के लिए लागू योजना को जमीन छीनने वाली योजना बताकर गलत संदेश सप्रेषित कर रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस और झामुमो द्वारा किया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि संथाल वासियों और राज्य के गरीब आदिवासियों का कल्याण हो, उनके जीवन में बदलाव आए। झारखंड सरकार किसानों के विकास को लेकर गंभीर है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। इंदौर के कुटुंब न्यायालय में एक व्यक्ति ने कोर्ट से कहा कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता राहुल गांधी की सरकार बनने के बाद से दे पाएगा। उसने इसे लेकर कोर्ट में एक आवेदन भी दिया है। दरअसल 12 मार्च को कोर्ट ने पारिवारिक विवाद मामले में सुनवाई के बाद उसे पत्नी दीपमाला को 3,000 रुपए और बेटी आर्या को 1,500 रुपए भरण पोषण के तौर पर देने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आवेदन मंजूर करते हुए बहस के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। इस व्यक्ति का नाम आनंद शर्मा है। आनंद ने आवेदन में कोर्ट से कहा कि वह बेरोजगार है और आदेश का पालन करने में असमर्थ है। उसने लिखा कि मेरी मंशा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना नहीं है, बस मेरी अपील सुनी जाए। आनंद ने आवेदन में कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वह बेरोजगारों को 6,000 रुपए महीना देंगे, वह राशि खाते में आएगी। मैं उनमें से 4,500 रुपए पत्नी और बेटी को भरण पोषण के लिए दे दूंगा। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। झाविमो ने बाबूलाल और प्रदीप को उतारा। झारखंड विकास मोर्चा ने शनिवार को कोडरमा और गोड्डा से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कोडरमा से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गोड्डा से प्रधान महासचिव प्रदीप यादव झाविमो प्रत्याशी होंगे। यह निर्णय शनिवार को पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत झाविमो को 2 सीटें मिली है। बैठक में राज्य की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से जुट जाने का आह्वान किया गया है। बैठक में पार्टी के महामंत्री बंधु तिर्की, उपाध्यक्ष सबा अहमद, खालिद खलील, संतोष सिंह, सरोज सिंह, तौहीद आलम सहित अन्य मौजूद थे। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सुखाड़ के बाद भी मुआवजे को तरसते रह गए किसान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि झारखंड के 18 जिलों के 129 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए। सरकार ने राहत देने की घोषणा की, लेकिन आज तक किसानों को चवन्नी तक नहीं मिली। झारखंड के किसान सूखे से परेशान हैं, लेकिन उनकी राज्य की भाजपा सरकार सुध नहीं ले रही। झारखंड में किसानों को पहले बिजली सस्ती दरों पर मिलती थी, पर वह इतनी महंगी हो गई कि किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। सुबोध कांत सहाय शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान में बोल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने नीमडीह प्रखंड के दर्जनों गाँवों का दौरा किया।
उन्होंने गांव के लोगों से बात की और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। अर्जुन मुंडा ने देवड़ी माता और तमाड़ की जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने शनिवार को पत्नी मीरा मुंडा के साथ तमाड़ के देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनावी शंखनाद किया। देवड़ी मंदिर में पूजा कर अपनी जीत के लिए देवड़ी माँ और जनता से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद राजबाड़ी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में सांसद कड़िया मुंडा भी पहुँचे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि आप लोगों ने 8 बार कड़िया मुंडा को संसद भेजा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देश का मनोबल बढ़ा है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ।